श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, भक्ति विघ्ननाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय, आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय, आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरुनाथ गौरंगा की, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्तवृंद की, और प्रेमानंदे ओम अज्ञान तेर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकलजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया हाथ जोड़ दीजिए मेरे साथ साथ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र दोहराइए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशिणे। कृपया मेरे साथ नहीं मेरे पीछे धराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतै उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है 31 मार्च 2023 प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निदाई भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सके, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निदाई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा आरंभ करने से पूर्व आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन प्रणाम। वांछा पत्रो कृपा सिंधु पदिदानाम पावनमेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम आपके हम आपसे हृदय की भावना रख देते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को आपको सही तरीके से समझा पाएं, परंतु बद्ध जीव में प्रभु जी समझाते समय कोई गलती या त्रुटि रह सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आपसे समय याचना करते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको रंच मात्र भी प्रेरणा मिले, कुछ प्रेरणा मिले भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने की, शुद्ध भक्ति करने की इस कक्षा को सुनकर, तो इसका पूर्ण श्रेय दीजिएगा हमारे दीक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी या हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर श्रृंदावन चंद्र दास जी को। इसमें हमारा रंच मात्र भी श्रेय या योग्यता नहीं है, पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को है। तो यही कहकर और कक्षा का उद्देश्य एक बार फिर से दोहराते हुए याद दिलाते हुए, जो क्लास चल रही है उसका उद्देश्य यही है कि आपकी प्रकृति हो अर्थात आत्मा की प्रकृति हो
क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करना यही एक बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय पांच पर, जिसका कि नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता, और उसमें चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 34 श्लोक है, 34, 35, 36, तीन श्लोक आज एक ही साथ लेंगे कमाइंड। अनिलोपी विकुर्वाणो नभसो रूपलान्वितः ससर्ज रूपतन मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्तमान में जिस संवाद के अंतर्गत हम अभी चल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हम जहां पर चल रहे हैं, अगर उसकी बात करें उसके विषय में थोड़ा सा आपको बताएं, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं, और जो अभी वर्तमान में हम उनके उपदेशों के अंतर्गत जिन उपदेशों पर चर्चा चल रही, तो वो सृष्टि के संदर्भ में है। सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, सृष्टि किस प्रकार से आई, उसी के विषय में इसमें भी चर्चा चल रही है। मैत्रेय मुनि डिटेल से समझा रहे हैं और विदुर जी उसे सुन रहे हैं। तो वर्तमान में श्रीमद् भागवतम में इसी पड़ाव पर हम चल रहे हैं, तो इसी की श्रृंखला में, इसी की कड़ी के अंदर ये 34 श्लोक है जिसका, तो इसका शब्दार्थ एक बार मेरे पीछे दोहराइएगा। अनिलः वायु अपि भी विकुवार्णः रूपांतरित होकर नवशा आकाश उरुबल अन्वितः अत्यंत शक्तिशाली ससर्ज उत्पन्न किया रूप तत्मात्रम इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा ज्योति ही बिजली लोकस्य संसार के लोचनम देखने के लिए प्रकाश। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, तत्पश्चात अतीव, जैसा कि पिछला श्लोक हमने पढ़ा था 33वां श्लोक, उसके अंतर्गत ही आया था कि तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सृष्टि होती है। तो 34वें श्लोक में आ रहा है, तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतक्रिया करके, वायु ने किसी क्रिया करी, आकाश से अंतक्रिया करी, अंतक्रिया करके और इंद्रिय अनुभूति मतलब तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो इस संसार को देखने के लिए प्रकाश है। इस पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया। उसके बाद 35वां श्लोक, अनिलेनान्वितम ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम आध ताम्भोरश्मयम काल मायाम संयोगतः। 35वां श्लोक में आ रहा है, जब वायु में बिजली की क्रिया हुई तो वॉइस बंद करिए बिल्कुल। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई तो उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया और उस समय नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। 36 श्लोक, इस पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया। 36वां श्लोक, ज्योतिषाम्बो अनुशिष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणामाधा काल मायाम संयोगतः। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उनमें नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ, इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। जो मुख्यतः किससे युक्त है, गंध के गुण से युक्त है। तात्पर्य इस पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, समझाया है। तो प्रभुपाद जी ने कमाइंड एक तरीके से अगर हम देखें तो श्लोक संख्या 34, 35, 36 इन सबका कमाइंड ही तात्पर्य दिया है।
तो 36वें श्लोक के तात्पर्य के अंदर भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए श्लोक को, इन श्लोकों को ये लिखते हैं कि उपयुक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों सहित भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। यह इसकी कहने का मतलब, प्रभुपाद जी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हमारे सामने रख रहे हैं। कहने का मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से फिर जो सृष्टि होती है, तो यहां पर करें कि विभिन्न संयोग अगर आप की अगर आप बात करें या परिवर्तनों की बात करें तो इन सब के अंदर एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और वो क्या है? भगवान का दृष्टिपात। सब जगह अगर आप देखें तो भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं। क्या है? भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं, उनके दृष्टिपात के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी अन्य मिश्रण भी हो रहे हैं परंतु साथ में भगवान दृष्टिपात भी कर रहे हैं, तब जाकर कार्य बन रहा है। प्रभुपाद जी इसी को उठा रहे हैं कि सभी अवस्था में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों सहित भगवान के दृष्टिपात की ही आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए भगवान ने कहा मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो अगर आप देख लीजिए कुछ भी जो हो रहा है सृष्टि के अंदर भी, जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं तभी वो जो भी प्रोसेस चल रही है वो कंप्लीट तभी होती है जब भगवान दृष्टिपात करते हैं उसके अंदर। अब इसको प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं जिसे समझ आएगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं। भगवान के संदर्भ में क्या कथन आ रहा है कि वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। क्या कर देता है भाई जी? विशेष रंग, बहुत सारे रंगों को मिलाकर के, और जो चित्रकार होता है वो क्या एक नया रंग बना देता है। और करता क्या है? सबको मिलाता है। तो कोई तो कार्य करता है, अपने आप थोड़ी आ जाता है कि नया रंग आ गया जी, अपने आप नहीं, मिश्रण करना पड़ता है और उसको वो मिलाने वाला होता है। उसी प्रकार से ये जो हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की वैरायटीज जो आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो भी एक्टिविटीज है भगवान स्पष्ट कर रहे हैं एक ही लाइन में कि मैं अध्यक्षण है, मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है सारा का सारा। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है, और जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व में मिलता है तो उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो ये जब मिलते हैं तो इसके गुणों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब प्रभुपाद इसमें समझा रहे हैं कि आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है। क्या करें? अगर हम आकाश की बात करें तो उसमें क्या है? ध्वनि, ये गुण होता है उसके अंदर। तो आकाश में ध्वनि नामक गुण होता है, केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है। फिर जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। तो वायु में दो गुण आ जाते हैं, ध्वनि भी वो करती है और स्पर्श, उसको अनुभूति भी उसकी हम कर सकते हैं स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु के अंतक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न होता है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है और वह है ध्वनि। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है और वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप, और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप तथा स्वाद। और भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है जो समस्त पांच गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। तो बाद में जो भी आ रहा है उससे पहले वाले तो उसमें होता ही है प्लस मोर। जैसे पृथ्वी सबसे लास्ट में आ रही, तो उसमें क्या है? प्रभु सारे गुण। तो ये इसका क्रम है। मतलब अगर हम देखें जैसा कि यहां पर बताया गया है, आकाश से क्या आ रही है? प्रभु जी वायु। फिर उससे क्या आ रही है? उससे आई बिजली कर लीजिए या अग्नि कर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? बिजली। उससे क्या आया? जल। और फिर उससे जल से क्या आया? पृथ्वी। तो ये प्रक्रिया है।
तो जैसे जल में चार तत्व पाए जाते हैं और जल से आई पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर जल वाले चार तत्व पाए जाते हैं प्लस मोर गंध का गुण और है। तो इस प्रकार से वायु के अंदर, जैसा कि इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वायु के अंदर क्या है, शब्द, तो वायु में शब्द है, परंतु वायु से क्या आई, सॉरी आकाश के अंदर क्या है, शब्द, और फिर अगर हम देखें आकाश से क्या आई, वायु, तो वायु के अंदर शब्द तो है ही है, साथ में स्पर्श भी आ गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो वो गुण के भी उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी ने बताया, तो यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण है, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह के जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः ही स्वतः नहीं हो पाता, रंगों का मिश्रण क्या स्वतः नहीं हो पाता। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। तो चित्रकार स्पर्श करता है, वो मिलाएगा, सफर का तभी तो कार्य होगा। उसी प्रकार से भगवान को ये मिलाने के कार्य और प्रक्रिया के लिए उनको क्या है प्रभु जी, ऐसे हाथों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, वो दृष्टिपात से कर देते हैं कार्य। क्या कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक इंद्रिय क्या है, पूर्ण है। परम ईश्वर, परम भगवान की जो इंद्रियां हैं वो क्या है प्रभु जी, पूर्ण है। टाइम का पता नहीं लगेगा मेरे को, दीजिए इधर। रख दीजिए, वो तो मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो यहां पर जैसा कि अभी यहां पर बताया जा रहा है कि यह स्वतः प्रणाली, यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूप स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है और समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है और स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी करें, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। तो अगर आप देखें इसमें इतना डिटेल के अंदर सब कुछ बताया गया है, समझाया गया है, पूरा टेक्निकल सारा सब कुछ आ रहा है। अगर हम देखें तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम, इसमें सृष्टि के विषय में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी गई है। मैत्री मुनि डिटेल में समझा रहे हैं विदुर जी को, एक सिंपल सा इतना सा इसमें सिंपल इसमें व्याख्या करी गई है कि आकाश, अगर हम बात करें अब इतना तो हमें आना ही चाहिए कि क्या है प्रभु जी, आकाश, आकाश से क्या आया वायु, फिर वायु से क्या आया बताइए, हाँ जी अग्नि, और अग्नि से क्या जल, और जल से क्या पृथ्वी। तो वायु से बढ़कर अगर हम बात करें आकाश, आकाश से बढ़कर गुण किसमें है, वायु के अंदर, और वायु से भी ज्यादा गुण किसमें, अग्नि के अंदर, अग्नि से भी ज्यादा गुण किसमें, जल में, और जल से भी ज्यादा गुण किसमें, पृथ्वी में। उसमें पांचों गुण, पांचों उसके गुण विद्यमान है। तो जो पीछे आ रहा है वो उसमें, वो जो उससे आगे वाले में है वो तो है ही है प्लस मोर, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं, ये अर्थात ध्वनि भी, स्पर्श भी, रूप भी, स्वाद भी और गंध भी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो बताई है, तो अब ध्यान रखिएगा आप, ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो वो ये तो विश्लेषण करके पहुंच जाते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, परंतु वो जो असली कंक्लूजन है उस पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो भगवान का जो दृष्टिपात है उसके विषय में उनको कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए अज्ञानी रह जाते। इसलिए क्या कर दिया उनको, कम बुद्धिमान, बुद्धि कम है, क्योंकि प्रभु जी ये सोच लेना, ये निष्कर्ष निकाल लेना कि मैं रंगों को बहुत सारा मिश्रण करके और ये रंग आ गया, ये आपने मालूम कर लिया, परंतु ये सोचना अपने आप ही हो गया, बेवकूफी नहीं है। अरे किसी ने तो मिश्रण किया होगा भाई, सही बात है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि हुई है तो किसी ने तो किया होगा, ये तो भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में होता है सारा का सारा, ये किसके द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है। तो अगर हम भगवद गीता के अंदर जाएं, क्योंकि ध्यान रखिएगा दो ही कैटेगरी है,
या तो देवी स्वभाव या आसुरी स्वभाव, या तो देवी स्वभाव से युक्त है कोई या फिर आसुरी स्वभाव से युक्त है। तो जो आसुरी स्वभाव से युक्त होता है वो इसी प्रकार की बह की बातें करता है, बकवास न सिर न फिर, कि अपने आप ही आ गया, स्वतः आ गया जी, स्वतः अपने आप ही हो गया है, अपने आप हो गया। तो इसकी भी व्याख्या भगवान ने करी है। जो देवी स्वभाव से युक्त होता है उसके क्या लक्षण होते हैं वो भी भगवान ने बताए, और आसुरी स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं वो भगवान ने बताए। तो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति यही करता है कि सृष्टि अपने आप ही आ गई, कोई इसके पीछे गए पर्सन नहीं है, कोई भगवान वगवान कुछ नहीं है, बस अपने आप सब कुछ काम इच्छा से हो गया, अपने आप ही हो गया, प्रकृति है बस। पर हमारा प्रश्न क्या होता है कि प्रकृति है तो किसकी प्रकृति, सही बात है कि नहीं? हाँ, कि प्रकृति, ये तो प्रकृति कर रही है सब कुछ, ठीक है, पर प्रकृति कर रही तो प्रकृति है किसकी, किसी की तो होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसीलिए भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता के अंदर, अगर भगवद गीता में आप जाएं, श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय जिसका नाम ही देवी तथा आसुरी स्वभाव है, और उसका 6ठा श्लोक, उसमें भगवान क्या कहते हैं, दो भूत सर्को लोके अस्मिन देव आसुर एवच देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। क्या करते हैं अर्जुन जी, अर्जुन जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन जी को संबोधित करते हुए ये जो 16वां अध्याय उसका 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं, हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। क्या करें, इस संसार में जो सृजित प्राणी है वो क्या है, दो प्रकार के हैं, दो कैटेगरी के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, उस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है जी। क्या करें, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने देवी गुणों के विषय में भी बताया, दिव्य गुणों के विषय में बताया, और आसुरी व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं उसके विषय में बताया। तो क्या करें, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में, जो असुर जो होता है उसके विषय में, उसको कैसे पहचानोगे आप, उसके विषय में सुनो। तो उसमें क्या आता है, जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता ना उचित आचरण और ना सत्य ही पाया जाता है। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है। 8वां श्लोक 16वें अध्याय से ले रहे हैं, 8वां श्लोक, वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। क्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। यह आसुरी व्यक्ति का दृष्टिकोण, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, कामेच्छा से, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये मूर्ख लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं डिटेल से, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, लिखते हैं आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा, आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत मायाजाल है, इसका न कोई कारण है न कार्य न नियामक न कोई प्रयोजन। कि क्या है, ये ऐसे ही आ गया और इसका क्या है, उद्देश्य भी कुछ नहीं, बस मजा करो। आप कौन होते हो निर्धारित करने वाले, आप तो सृष्टिकर्ता हो नहीं, आप तो सृष्टिकर्ता हो नहीं, फिर आप कहां से कर रहे हो निर्धारित। यही लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है, अपने आप ही प्रभु जी क्या है, सृष्टि का उद्देश्य खुद ही सेट कर लेते हैं कि ये है। नहीं, जब आप सृष्टिकर्ता हो ही नहीं तो फिर आप कैसे बना सकते हो। जो यंत्र, जैसे किसी यंत्र का आविष्कार किया किसी ने, तो आविष्कार ही बता रहा है कि ये यंत्र का आविष्कार उसने किस लिए किया है, सही है कि नहीं, तभी पता लगता है हमें, तभी हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं पर ये नहीं सोचते सृष्टिकर्ता कौन है, किसने सृष्टि को बनाया, उसको ढूंढते ही नहीं है। या फिर क्या समझते हैं कि वो सृष्टिकर्ता जो है ये तो अपने आप ही हो गई, ये सृष्टि ये तो क्या है, अपने आप ही हो गई, अपने आप आ गया सब। परंतु अपने आप तो हम कुछ भी नहीं देखते होते हुए। उनका कहना है कि दृश्य जगत आक्षमिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। अचानक से क्रिया प्रतिक्रिया हुई,
वास और सृष्टि हो गई, है ना जी, अपने आप ही। कम बुद्धि वाले ऐसे सोचते, कई बुद्धिमान है, कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये भी, ये सोचना कि बगैर ईश्वर के ये सब कुछ हो गया, बोले इससे बचकानी कोई हरकत नहीं होगी, इससे इससे कोई फालतू की चीज नहीं होगी, कोई ये विचार करना, इससे बड़ा कोई अंधविश्वास विचार नहीं है कि अपने आप ही। वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है, वो ये नहीं सोच पाते। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीव स्वप्न है, लेकिन वे स्वप्नों को भोगने में बड़े कुशल रहते हैं। क्या जीवन क्या स्वप्न है, परंतु स्वप्नों को क्या भोगने में बड़े कुशल होते हैं, अतएव ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है जिससे जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे नवा श्लोक, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, कौन सा ज्ञान खो दिया है प्रभु जी, आत्मज्ञान खो दिया है, और जो बुद्धिहीन है, यहां भी क्या रहा है, बुद्धिहीन है, जिनमें बुद्धि है ही नहीं, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। एताम दृष्टिम वष्टभ्ये नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, अल्पबुद्धयः शब्द इस्तेमाल किया गया है, अल्प बुद्धि वाले प्रवयन्ते युग कर्माणः सहाय जगतो हितः। तो क्या कर रहे हैं कुछ ये लोग जो है ऐसे कार्यों में, ये सब फालतू की बातें कर करवा करके और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं जिससे संसार का विनाश हो सकता है। और आज आपकी जानकारी के लिए, ऐसे असुरों की भरमार है, इसलिए आज की जो सभ्यता है वो ऐसे स्थिति में आ चुकी है कि किसी भी क्षण क्या है प्रभु जी, पूरे के पूरे विश्व का संहार हो सकता है, पूरे के पूरे विश्व का संहार हो सकता है। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहां कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रकृति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। इनको असुर बताया है प्रभु जी, क्या बताया, असुर, एक के बाद एक। और अब आप देख ही रहे, एक के बाद एक नए आविष्कार होते जा रहे हैं। परंतु ये आविष्कार जो होते हैं, फिर ये जब आविष्कार हो जाते हैं तो लोग किसके अंदर संलग्न हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में। किसमें, इंद्रिय, जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी उपकरण हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है बताइए आप, इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए क्या, जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, इसलिए क्या होता है प्रभु जी, फिर हर चीज का दुरुपयोग। आविष्कारक आविष्कार तो करता जा रहा है, परंतु उसको ये नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना किस लिए हुई है, ये शरीर दिया गया, मनुष्य शरीर जो मिला है ये किस लिए मिला है, ये इसके विषय में उनको मालूम ही नहीं है। तो उससे क्या होता है प्रभु जी, बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। पता लगा, एक के बाद एक आविष्कार करते जा रहे हैं दिन रात। कई बार तो अगर आप देखें इन आविष्कारों के पीछे जाएं, तो जो आविष्कारक है वो दिन रात नहीं सोया, हाँ जी, खाया नहीं, कई बार उसने पीना वो कुछ खाना पीना भी भूल गया, ऐसे ऐसे दिन रात लगे रहते हैं तब आविष्कार होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है, सही है कि नहीं। परंतु उससे क्या होता है,
आविष्कार करने वाला भी लंबा कहां जाता है, नरक जाता है। वो तो वैष्णव वैष्णवों की जब कृपा हो जाती है उसमें तो उसको फायदा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जिसने मोबाइल का आविष्कार किया है ना जी, अब वैष्णवगण इस मोबाइल को भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो फिर लाभ भी पहुंचता है उसको, समझ रहे हो, फिर उसको लाभ पहुंचता है। तो इसका मतलब सोचो आप, इसलिए इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कितनी आवश्यकता है। अगर इस ज्ञान को स्वयं आप अपने जीवन में लगा लें और इसको जन जन तक पहुंचाएं तो कितना फायदा होगा, न जाने कितने क्या है ऐसे जीव जो न जाने नर्क भी उनके लिए न जाने कौन सा स्पेशल नर्क बनाया गया होगा, वहां से उसको राहत मिल जाएगी प्रभु जी, सही बात है कि नहीं। इसलिए समझो आप, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। स्पष्ट आ रहा है, देखिए बुद्धिहीन क्या करते हैं, वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोग पशुवध में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है आसुरी लोगों में। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अब प्रत्यक्षतः श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है, क्योंकि असुर है ना बाबू जी। तो देखो जी, हमने भी कर लिया। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, प्रभुपाद जी क्या करें, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहां पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है, और वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। और ऐसे आविष्कार तो आसो होड़ मची है प्रभु जी पूरे विश्व के अंदर, कि मेरे पास ज्यादा अस्त्र शस्त्र और मेरे पास ज्यादा अस्त्र शस्त्र, बताइए आप इसका मतलब। भगवान को जब स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है प्रभु जी, उससे अशांति ही होती है, विश्व में युद्ध कलह ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि लोग कि कोई है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो देख रहा है हमारी सारी एक्टिविटीज को, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अगर आप इसमें विश्वास ही नहीं रखते तो क्या होगा प्रभु जी, फिर तो कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको जवाब देना ही नहीं है, तो फिर तो नैतिकता खत्म होगी और शोषण बढ़ेगा समाज के अंदर। क्या है प्रभु जी, शोषण बढ़ेगा। हर व्यक्ति क्या सोचेगा कि क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा मजा कर लूं, और उसमें अगर किसी के साथ कुछ भी करना पड़े, किसी का शोषण करना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी को जवाब तो देना है नहीं, कोई है ही नहीं जो सब कुछ देख रहा है, फिर क्या, फिर तो कुछ भी करूं मैं। इसलिए क्या होता है प्रभु जी, पूरे समाज में उथल पुथल मच जाती है, हर तरफ क्या है प्रभु जी, झगड़ा युद्ध कलह ये सारी घटनाएं आती है, फिर भी लोग समझते नहीं है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, अगर नास्तिक सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा तो क्या होगा प्रभु जी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। परंतु अगर हम ये मान लें कि कोई परम स्वामी है, परम भगवान है, उनके द्वारा सब कुछ क्या है प्रभु जी, ये सारी की सारी व्यवस्था करी गई है, और अगर हम गलत करेंगे तो उनके द्वारा हमें दंड दिया जाएगा। अगर इस सिद्धांत को हम एक्सेप्ट कर लें, इस सिद्धांत को हम मान लें, तो क्या है प्रभु जी, इसमें हमारा स्वयं का कल्याण है, पूरे समाज का कल्याण है, पूरे विश्व का कल्याण है, सही है कि नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है प्रभु जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या है कि सबके सब सुखी हों। वेद तो हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबके सब सुखी बन सके। इसलिए अगर आप देखें भगवद गीता में भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, भगवान ने जो बातें बताई हैं, अगर उसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लगाएगा तो क्या होगा प्रभु जी, उसके जीवन में शांति आएगी, उसके जीवन में सुख आएगा। परंतु लोग प्रभु जी आज भगवद गीता के विषय में तो जानते ही नहीं है, और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण यही है कि वो जिनके संपर्क में है वो खुद ही अज्ञानी है, जिसे माता पिता उनको नहीं मालूम, शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं, जो भौतिक ज्ञान दे रहे हैं उनको नहीं मालूम,
किसी को मालूम ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, क्योंकि आज सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है प्रभु जी। क्या है प्रभु जी? भौतिक ज्ञान। स्कूल कॉलेज इतने धनाधन खुलते चले जा रहे हैं, परंतु सब में सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जाता है। यह शरीर कैसे चलता है, इसमें क्या क्या चल रहा है, ये सारी प्रक्रिया, परंतु ये नहीं बताया जा रहा कहीं पर भी कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है, ये सब तो कोई बताता ही नहीं है। इसलिए हर तरफ प्रभु जी क्या है, प्रभु जी हमें पूरे सब तरफ अगर आप देखें, आज हर व्यक्ति के जीवन में अशांति व्याप्त है। कुछ लोग हैं जो क्या है प्रभु जी, अंदर से बड़े अशांत हैं, बड़े दुखी हैं, परंतु ऊपर से क्या है प्रभु जी, दिखावटी खुशी दिखाते रहते हैं, दुनिया को पागल बनाते रहते हैं, अंदर से बड़े दुखी हैं, अशांत हैं, परंतु हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, या बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर अपने आप को ऐसे बताते हैं कि जैसे मैं ही बहुत बड़ा सुखी हूं, नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं। भगवत गीता कहती है स्पष्ट रूप में कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवत गीता का कथन है, अगर कोई इस कथन को नहीं समझता, भोक्तारम यज्ञ तपशाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांति मृच्छति। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कि अगर कोई ये नहीं समझता कि परम ईश्वर परम स्वामी, भगवान श्री कृष्ण ही कहे प्रभु जी परम ईश्वर है, परम स्वामी है, अगर कोई सिद्धांत को नहीं मानता, सब कुछ उन्हीं का है, वही भोक्ता है, वही परम स्वामी है और वही भोक्ता है हर वस्तु के, अगर कोई सिद्धांत को नहीं मानता तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। अगर किसी को शांति चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, तो शांति का सूत्र भगवद गीता बताती है स्पष्ट रूप में कि अगर शांति चाहिए आपको खुद के जीवन के अंदर, कि आपके जीवन में शांति आ जाए, आपके जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए आपके जीवन में, अगर आप चाहते हो असली शांति चाहिए, असली सुख चाहिए यदि आपको, तो आपको भगवद गीता के सिद्धांतों को पालन करना ही पड़ेगा। उसके बगैर ना तो आपको वास्तविक शांति मिलेगी, ना ही वास्तविक सुख मिलेगा। हाँ, मजा जरूर आप ले लोगे, परंतु मजा तो क्षणिक होता है, कुछ समय आता है फिर खत्म हो जाता है। वास्तविक सुख तो आपको तभी मिलेगा, वास्तविक शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आप भगवद गीता के सिद्धांतों को जानोगे, भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में लगाओगे। और भगवद गीता पहली चीज बता रही है हमारे विषय में, हमारी भगवद गीता में पहले हमारे विषय में बता रही है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं प्रभु जी, अंश हैं, हम आत्मा है और हम अंश है। किनके अंश है? भगवान श्री कृष्ण के। और हमारा एक ही कार्य है, और वो कार्य क्या है? भगवान की सेवा में लगना। तो इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा, इस सिद्धांत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी इसको प्रभु जी समझाते थे, बताते थे कि एक मछली को क्या करो प्रभु जी, आप जल से निकालकर कहीं पर भी उसको बिठा दो, पृथ्वी पे लाके महलों में बिठा दो, हाँ जी, तब भी वो छटपटाती रहेगी, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति किसमें है? जल के अंदर, जल में रहना, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होना ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। परंतु इससे तो आज जीव क्या है प्रभु जी, पूरी तरीके इस अवस्था को तो भूल ही गया है बिल्कुल। कृष्ण भावनामृत तो छोड़िए, उसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, वो कृष्ण भी छोड़िए, वो ईश्वर के ही अस्तित्व को नहीं मानता, कहता है कि ऐसे ही कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। ये जैसे हम पढ़ रहे हैं आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति क्या करता है, कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप ही सृष्टि हो गई, सब कुछ अपने आप आ गया, इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से लोग क्या है प्रभु जी, ग्रसित हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उनको खूब सपोर्ट भी किया जाता है, उनको खूब सपोर्ट भी किया जाता है। इसलिए समझिए, अगर अगर चाहते हैं आप कि विश्व के अंदर शांति आए, विश्व के ऊपर आज बहुत बड़ा खतरा मंडराया हुआ है प्रभु जी, सोचो कोई पागल बैठा और एक ने दबाया, एक ने क्या है प्रभु जी, एक मिसाइल छोड़ी दूसरे ने, और पता लगा कुछ कुछ ही सेकंडों में पूरा विश्व तबाह हो सकता है। आज इस स्थिति पे विश्व पहुंच चुका है, और लोग विज्ञान के पीछे पागल हैं कि पता लगा विज्ञान ने ये कर दिया और विज्ञान ने वो कर दिया। हा? बताइए मेरे को,
प्रभुपाद जी तो जब प्रगति के विषय में कहते थे कि प्रगति कर ली तो मजाक करते थे इसके ऊपर कि क्या है कि आज लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो उससे क्या है प्रभु जी जीवन में, उससे क्या हुआ, सुविधा तो बढ़ गई, क्या हुआ प्रभु जी सुविधा तो बढ़ गई पर सुख नहीं मिला, क्या है प्रभु जी सुविधा दुखों में कमी कर देती है, क्या कर देती है, सुख नहीं देती सुविधा, जैसे गुरु जी बताते हैं सुविधा से क्या होता है दुखों में कमी आ जाती है, सुविधा से सुख नहीं मिलता दुखों में कमी आती है, तो दुखों में कमी आ गई परंतु सुख तो मिला नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी मजाक में ऐसे बताया करते थे कि क्या है इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, ठीक है जी इसमें लोगों ने इतनी प्रगति कर ली तो उससे क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, क्या कर दी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो प्रभुपाद जी का कुछ एक वार्तालाप है तो उसमें प्रभुपाद जी यही कहते हैं, वो कह रहा है कि प्रभुपाद जी मतलब इन लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और ये सब कुछ कर दिया तो मतलब इसके विषय में आपको क्या कहना है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में बता देते कि देखो ऐसा है पहले क्या इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी, तो क्या होता था अगर छत पे से कोई कूद भी गया, क्या है क्योंकि टेंशन में व्यक्ति, क्या है टेंशन में डिप्रेशन में उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसमें तो सुधार का कोई इनको मालूम ही नहीं है कैसे सुधार लाया जाए, ठीक है ना, उसमें तो क्या किया है, अगर आप देखें अगर आंकड़े निकालें और देखिए पहले सुसाइड ज्यादा होती थी कि आज आज हो रही है, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पता लगा ऊपर चढ़ के और क्या है पहले अगर होती नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो कूद भी गया तो संभावना होती थी बचने की, पर तो अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी क्या है प्रभु जी विशाल इमारतें बिल्डिंग्स बन गई कि उसमें से अगर कूद गया तो जहां कूद गया वहीं पर जय गौरहरी कर दिया जाए, बस कि कूद गया तो ये गया अब तो कोई बचने की संभावना है ही नहीं, बोले ये क्या प्रगति हुई, तो उस जिनको जिनको प्रभुपाद जी समझा रहे थे उन्होंने कहा प्रभुपाद जी सब थोड़ी ऐसा करते हैं कोई, वो तो कुछ कुछ लोग करते हैं ऐसा, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा जबरदस्त प्यारा जवाब दिया और फिर ऐसी हंसी हंसे कि देखो ऐसा है, सब हंसने लग गए प्रभुपाद जी के जवाब से, प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ऐसा है कुछ तो कूद जाते हैं कुछ रोक लेते हैं अपने आप को कूदने से, परंतु हालत सबकी खराब है, क्या है कुछ कुछ क्या कर लेते सुसाइड कर लेते कुछ रोक लेते हैं अपने आप को, नहीं नहीं सुसाइड नहीं करूंगा स्ट्रगल करूंगा, और दुखी तो है ही प्रभु जी दुखी तो है। भगवान गीता में कह रहे हैं प्रभु जी स्पष्ट रूप में ममे वाम सजीव लोके जीव भूत सनातना मन शष्टानी इंद्रियानी, क्या है ये जो छह इंद्रियों से इससे सारे के सारे जीव घोर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष नहीं प्रभु जी क्या है घोर संघर्ष, सबका संघर्ष चल रहा है अभी हम संघर्ष कर रहे हैं सब तो स्ट्रगल चल रहा है, परंतु लोग इसे समझते ही नहीं, लोगों को इसके विषय में ज्ञान ही नहीं है, लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए प्रभु जी इसकी जानकारी रखने की बहुत आवश्यकता है, आज आवश्यकता है जितने स्कूल और कॉलेजेस खुल चुके हैं उन सब में आज आवश्यकता है इस आध्यात्मिक विज्ञान की, इस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, इसको उन तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है, तब जाकर जीवन में शांति और सुख आएगा, प्रभुपाद जी तो इस चीज को प्रभुपाद जी ने बहुत उठाया है, जीवन के ज्ञान के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है, और आप देखिए भागवत में पूरा डिटेल से है प्रभु जी सृष्टि के विषय में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ ऑलरेडी है, और प्रगति की भी अगर बात करें पहले अगर आप देखो रावण के पास में क्या था पुष्पक विमान, वो धुआं नहीं छोड़ता था ऐसे जैसे एरोप्लेन छोड़ता है, समझ में आ गया, देखो अगर आप इस दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत कुछ था पहले भी, परंतु समझो ना प्रभु जी ये सब आपने कर लिया परंतु आपने जीवन का लक्ष्य नहीं जाना तो क्या फायदा, कह रहे कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आशय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा आप पवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर
तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होना प्रभु जी, क्योंकि समझो आप, जितना व्यक्ति क्या करता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है और इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। जितनी इच्छा की पूर्ति करते जाओगे उतनी इच्छाएं, एक भौतिक इच्छा की पूरी करो तो अनेकों भौतिक इच्छाओं का अवरुद्ध हो जाता है। क्या है प्रभु जी? अनेक भौतिक इच्छाओं का, इसलिए व्यक्ति और ज्यादा फंसता जाता है और रसता जाता है, इसलिए जितना जो अधिक भौतिकता के अंदर तल्लीन होगा उतना ही वो जीवन में अशांत होता चला जाता है, उतना ही उसकी अशांति बढ़ती चली जाती है। इसलिए समझिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, सब कुछ बताया है इसके अंदर। भागवतम के अंदर तो इतना डिटेल के अंदर सारा सब कुछ आया है कि माँ के गर्भ में बच्चा किस प्रकार से रहता है, सारा पूरा सब कुछ। जबकि वो कोई ऐसे थोड़ी है कि उसके अंदर पता लगा कि वो चिकित्सा की पुस्तक है श्रीमद् भागवतम, नहीं, परंतु उसमें भी डिटेल से सब कुछ है, बताया हुआ है सारा, शास्त्रों में सब कुछ है। तो हम सबको बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है प्रभु जी, कम बुद्धि का नहीं रहना, बुद्धिमान बनना है। अपने आप कुछ भी नहीं आ सकता, और पूरी सब कुछ शास्त्रों में हर चीज बताई गई है कैसे कैसे आया है। वैज्ञानिक को तो हो सकता है वो शोध करके हो सकता है सही निष्कर्ष पे पहुंचे या ना पहुंचे, है ना जी, क्योंकि वो अपूर्ण है। पर शास्त्रों के अंदर जो है वो कंप्लीट है, वेदों के अंदर जो कथन है उनको पूरी तरीके से सत्य के रूप में एक्सेप्ट करिए। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाइए। अब अगर आपको कोई कमेंट है या फिर अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो प्लीज पूछिए। नहीं है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्त वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑनलाइन जो प्रश्न आपके आए हुए हैं तो वो तो कल गुरुजी से डिस्कस कर नहीं पाए, क्योंकि गुरुजी जयपुर में थे और कल रामनवमी का उत्सव भी मनाया गया, तो उसमें उस कारण बात कर नहीं पाए। तो कल गुरुजी से आज डिस्कस करके और फिर आपके प्रश्नों का कल उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जो भी लाइव सेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे। और उसके अलावा अनाउंसमेंट सुन लीजिए, प्रचार कार्य का विवरण जो है वो रख देते हैं आप सबके सामने। श्री राधा उपश्री, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ बलदेव से पता भैया, नित्यानंद जी, गौरंग महाप्रभु, शिला प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद, आप सबकी प्रसन्नता के लिए जो प्रचार कार्य किया गया उसका विवरण इस प्रकार से रहा। निताई गौरांग संकीर्तन पार्टी के विषय में अगर हम बात करें तो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करी गई 16। ये निताई गौरांग संकीर्तन पार्टी की रिपोर्ट रही, दो दिन की रिपोर्ट एक ही साथ बता रहे हैं क्योंकि 28 की भी हम नहीं रख पाए थे। 28 तारीख और 29 तारीख की रिपोर्ट इस प्रकार से है। 13 घंटे कोर्स का लिंक सेंड किया गया 13 जीवों को और 16 जीवों को। फिर उसके बाद में अगर बात करें, पीडीएफ फॉर्म में बुक सेंड करी गई 13 जीवों को और नेक्स्ट डे 16 जीवों को। फिर उसके पश्चात 13 घंटे कोर्स का लिंक भेजा गया 32 जीवों को और 23 जीवों को। और उसके अलावा फॉलोअप कॉल हुए 19 और 3। तो ये निताई गौरांग संकीर्तन पार्टी की दो दिन की रिपोर्ट रही। हरी बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संकीर्तन पार्टी के विषय में बात करें तो बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई 12 और 5 नेक्स्ट डे। फेसबुक लिंक के माध्यम से कोर्स भेजा गया 17 जीवों को और 10 जीवों को नेक्स्ट डे। 13 घंटे कोर्स का लिंक सेंड किया गया 15 जीवों को और 8 जीवों को। हरी बोल। और अगर हम बात करें राधा श्रेष्ठ संकीर्तन पार्टी और गिरिराज गोवर्धन संकीर्तन पार्टी के विषय में तो इसका विवरण इस प्रकार से रहा। फॉलोअप कॉल हुए 97। हरी बोल। तो टोटल विवरण अगर हम एक साथ रखें तो 12 और 5 13, बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई 12 और 5 और पीडीएफ फॉर्म में 13 और 16 और 13 घंटे कोर्स का लिंक सेंड किया गया 64 जीवों को और 41 जीवों को। और फॉलोअप कॉल टोटल अगर बात करें तो 201 और नेक्स्ट डे 100। तो ये प्रचार कार्य का विवरण रहा। तो जिन भी भक्तों का इसमें योगदान रहा उन सभी के का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सब भक्तगण जो लाइव सेशन में भी कल उपस्थित हुए, जो प्रोग्राम हुआ जयपुर के अंदर, उसमें आप सब लाइव बने रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके विषय में जो आज जैसे मंगल आरती चल नहीं पाई, यूट्यूब पे भी हम लाइव कर नहीं पाए, उसके विषय में क्या बताना है? अपलोड हो जाएगा गिव गीता लाइव चैनल पर, हम इसको अपलोड कर देंगे। मंगल आरती भी हो गई जो जैसे हो नहीं पाई थी, जो भी प्रक्रियाएं नहीं हो पाई थी उसको भी, और ये जो भागवतम क्लास भी जो है इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसके कारण चल नहीं पाया। सुबह भागवतम
मंगल आरती के समय भी नहीं चल पाया, गुरु पूजा में भी नहीं चल पाया, और भागवतम क्लास तक भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाई। उस प्रॉब्लम का जल्दी निराकरण करेंगे, और आज का तो जो भी हुआ वो सब हम यूट्यूब पे डाल देंगे ना, यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी पीछे सुनने वाले भक्तगण अगर आपसे कोई फ़ोन करे पूछे तो बता दीजिएगा कि उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो पीछे वो सुन सकते हैं। क्योंकि कई भागवतम की क्लास को उस समय नहीं सुन पाते, उनके पास उस समय उनका शेड्यूल ऐसा रहता है कि उस समय नहीं सुन सकते, तो जब क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात वो सुनते हैं, तो उन तक भी आप सब सूचना पहुँचाती जो अभी लाइव उपस्थित है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्तविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। एक अनाउंसमेंट हो रहे, कृपया सुन लीजिए। इनका है तिथि के अनुसार, मोनिका माता जी हैं, इनका तिथि के अनुसार आज जो है जन्मदिन है। तो आप सभी भक्तगण जो भी लाइव उपस्थित हैं और जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इनके लिए प्रार्थना करें। श्री श्री राधा गोप, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से, गिरिराज गिरी गोवर्धन महाराज से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से, गौर निताई तत्व से, समस्त वैष्णव भक्तों से, कि इनको भगवान श्री कृष्ण की अनन्य शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और अनन्य शुद्ध भक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर और निरंतर बढ़ती रहें, ये इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और तीन बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ग्रंथराज भागवतम की जय। भक्तिदान स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्तविंद की जय। निताई